भाई, अमित भाई से आए, ये हमें 4 बजे तक छोड़ेंगे, फिर अपनी 10 बजे की ट्रेन है। साथ में वो बंदा है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा सरप्राइज बना के रखते हैं, आपको मिलाता हूँ उससे, बहुत मज़ा आने वाला है ट्रिप में, तो स्टे विद अस। कभी ऐसी ट्रिप मिलेगा तो हजरतगंज आइएगा तो मुझसे मिलिए जरूर। छोटी लाइन 4 बजे रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हमारी 10 बजे की ट्रेन है। देखता हूँ वो बंदा आया है कि नहीं जिसके साथ जाना है। क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ट्रेन की जर्नी का मज़ा ही अलग है, सीरियसली आपको जितना मज़ा ट्रेन से आएगा ना, उतना मज़ा आपको फ्लाइट से भी नहीं आएगा। मेमोरीज होती है लोगों की ट्रेन में सब की अलग अलग तरह की मेमोरीज। अभी वेट करते हैं सिद्धार्थ का, अपनी ट्रेन है 10 बजे की लखनऊ मेल प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, अभी वो आया नहीं है। हमेशा की तरह मैं पहले पहुँचा हूँ, मुझे पता नहीं इसको कहेंगे क्या, क्योंकि टाइम से आना आजकल सी होता है, और मुझे वो आदत है कि मैं टाइम से पहुंचूं हर जगह। बाकी के लोग लेट हो जाते हैं, आपने पुराने वाले व्लॉग में भी देखा। एनीवेज स्टेशन का अपना अलग मज़ा है, यहाँ पे आप बोर नहीं हो सकते हैं अगर आपको ट्रेन की जर्नी से प्यार है तो। सिद्धार्थ आने वाला है, तो हम जा रहे हैं सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ को आप जानते हो कि मेरा बेस्ट बड़ी, तो वो आने वाला है, अभी आपको उससे मिलवाता हूँ। तो ट्रेन है अपनी 10 बजे की, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चलते हैं वहाँ पे, और अब बात करते हैं आगे। बाय। सो वेलकम टू लखनऊ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, और ये रही अपनी ट्रेन, लखनऊ मेल पीछे लग रही है। सिद्धार्थ भाई आ रहे हैं पैदल, अलग लेवल का इंसान है ये। पचास बार इसका फोन आ चुका है लेकिन खुद अभी तक नहीं आया है। कहाँ हो भाई, कहाँ हो भाई, अबे तू आना जल्दी से भाई, विश्राम करवा दो हमें भी कुछ समय के लिए। सो ट्रस्ट मी, मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, और आधा लखनऊ छोटी लाइन के अंदर आ चुका है 4 बजे रेलवे स्टेशन के। सिद्धार्थ पाठक नहीं है, बस फ़ोन कर रहे हैं, इनका फ़ोन आ रहा है सिर्फ। भाई B3 के सामने खड़े हैं, और ये ऑलरेडी उस डब्बे के सामने पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें जाना है। मैं इनका आधे घंटे से मेन गेट पर इंतज़ार कर रहा हूँ, और ये पीछे वाले ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म के अंदर आके B3 के सामने हमारा वेट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मेरी टोपी हो चुकी है, क्योंकि ये 15 मिनट से मेरा यहाँ पर वेट। लखनऊ टू दिल्ली जाने के लिए बेस्ट ट्रेन, लखनऊ मेल से अच्छी आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी अगर आपको दिल्ली जाना है। हमें तो रामपुर जाना है, रामपुर से हमें काठगोदाम जाना है, काठगोदाम से हम जाएंगे उत्तराखंड देवभूमि। सो स्टे विद अस। ये रहा B4, और ये रहे, गाली नहीं दे सकता मैं इस व्लॉग में, साले तुम्हारा हम आधे घंटे से मेन गेट पे इंतज़ार कर रहे हैं, और तुम पिछले 15 मिनट से यहाँ पे खड़े हुए हो। तो ये सिद्धार्थ भाई, इनके साथ हम जा रहे हैं।
क्या ये क्या पता नहीं क्या है यार, मैं भी नहीं अभी तक जाना। इतना लेट कैसे हो गए? इतना लेट कैसे हो गए भाई? ऑफिस से देर हो गई, छुट्टी उट्टी मिल गई। सो हम कहाँ जा रहे हैं अब तुम बताओ, मैंने अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं है। यार हम बागेश्वर जा रहे हैं, और बागेश्वर जो है वो अल्मोड़ा। पहली सीट? हाँ, 3 और 5। ये हमारी सीट 3 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर दोनों है ना, 5 और 6 है, सॉरी। ठीक है यार, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। चलिए फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हमको ये पैसे दिए, इसका लाना एक कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक, एक पानी की बोतल, पानी बोतल, एक चिप्स, एक चिप्स। जा रहे हैं राजा साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल और चिप्स लेने के लिए, क्योंकि रात में ट्रेन शायद जहाँ फिर रुकती नहीं है वैसे बहुत ज़्यादा, ये तो सारा सामान लेके रखना है। भैया एक पानी की बोतल दे दो और एक चिप्स। यहाँ पर सिर्फ सोना है, 3:45 बजे उठते हम उठेंगे, 3:45 बजे 3:45 रामपुर उतरेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यस, तो मिलते हैं 3:45 बजे, जब सब सो रहे होंगे हम जगेंगे आपके साथ। गाइस, अभी हुए हैं 2:30 और मैं अराउंड 2 घंटे की नींद ले चुका हूँ। सिद्धार्थ भैया तुमको नींद नहीं आई कि नहीं? हाँ थोड़ी देर, 2-2.5 घंटे अभी सो गए। फीलिंग फ्रेश? फीलिंग फ्रेश। तो 2:30 बजा हुआ है और यहाँ से जो प्लान है वो हमारे गाइड बाबू बताएंगे। बताइए सर क्या करना है, 2:30 बजे उतर के क्या कहाँ उतरेंगे? रामपुर से हमको काठगोदाम जाना है, हमारी 6:35 की या 6:10 की ट्रेन है। ओके, उसके पहले अभी अगर हमें कोई साधन मिलेगा तो हम उससे भी जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमें काठगोदाम पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से। सर ये तो थी सेकेंडरी चीज़, प्राइमरी चीज़ ये है कि चाय मिलेगी 2:30 की। चाय मिलेगी, लेकिन ये रामपुर है तो यहाँ पे चाकू मिल सकता है, लेकिन बंद मक्खन पता नहीं यहाँ। जो पहला उद्देश्य है रात को 2:30 बजे वो है चाय ढूंढना,